हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपना ट्राइडेंट जो कि मुझे मिला था ड्राउंड को मारकर। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा ट्राइडेंट जो कि मुझे मिला था, जो ड्राउंड होते हैं उन्हें मारकर। तो वो स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए दो और स्पॉन हुए हैं। बस मुझे दिक्कत है कि ये मेरे इस जो टर्टल एग्स हैं इन्हें कुछ करे ना। तो पहले भी मैंने मारा था, वो देखिए उनके जो होते हैं रोटन फ्लैश पड़े हुए हैं। तो ये लेकिन इसकी जो पावर है, मतलब ड्यूरेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आज की इस वीडियो में वही करने वाला हूँ कि अपने कुछ विलेजर को मैं चेंज करने वाला हूँ दो लाइब्रेरियन में। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर लैक्ट्रेन पड़ी होंगी, तो लैक्ट्रेन ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ कहीं पर ही मैंने लैक्ट्रेन रखी, हाँ ये रही लैक्ट्रेन। और एक एक्स चाहिए मुझे मार्कर। तो सामान रखने के लिए मेरे पास हर बार यहाँ पर शॉर्टेज होती है, तो बैरल में रखता हूँ मैं सामान। अब टैटू रख लो और इसे भी फ़िलहाल साइड में रखता हूँ। तो अब इनका काम है, तो बाकी सब। पर एक जो मेरा विलेजर था वो पता नहीं कैसे गया है, और इन्हें भी मैंने क्योर किया हुआ है। तो कोई चेंज नहीं हुआ क्या? अच्छा, तो मुझे पहले ये तोड़ना पड़ेगा। तो अभी ये चेंज हो गया, देखता हूँ इसकी डील क्या है। तो जल्दी से दिखा दे। तो ये पंच टू दे रहा है, लेकिन पंच टू का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। मेरे पास पंच से काफ़ी ज़्यादा पंच की और पावर की बुक्स पड़ी हुई हैं, और कहाँ गया? तो ये तो दूसरे ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेंगे, इसलिए मैं इसे भी उठा देता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो अब ठीक है, अब इन्हें बनना पड़ेगा। तो ये बन गया लाइब्रेरियन। अब देखता हूँ इसकी ट्रेड, और ये तो फिलहाल कुछ नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसी ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छी सी ट्रेड चाहिए। फिर मैं और एफिशिएंसी फ्री है, और ये कितने में दे रहा है? वो 35 एमरल्ड्स में दे रहा है एफिशिएंसी 4। तो एफिशिएंसी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं एफिशिएंसी का हाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बाद में बताऊँगा कि मैं यूज़ क्या करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास ये पहले रोटन फ्लैश है। तो रोटन फ्लैश को मैं बेच देता हूँ, तो एमरल्स आ जाएंगे। और एमरल्स और मेरे पास काफ़ी सारे पड़े थे, हाँ ये रहे 34 एमरल्स, और बस इतना ही है। देखता हूँ 34, हाँ 34 ले रहा शायद, नहीं 35 है। तो एक काम करता हूँ, पहले कहाँ गया इसे, एक दो क्या सभी बेच देता हूँ। ये जो टोटल फ्लैश है इनकी जरूरत नहीं मुझे, बस ये हाँ इसने ख़त्म हो गया मेरा। तो 38 आ गए हैं मेरे पास। अब मुझे यहाँ से चाहिए थोड़े से, एक काम करता हूँ इसे अब लगा ही देता हूँ। तो थोड़ा सा सामान रख दो इसमें। तो लैदर है मेरे पास, और पेपर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर पड़े होंगे शुगर केन्स नीचे वाले में, हाँ ये रहे काफ़ी सारे शुगर केन्स हैं, लेकिन इतने चाहिए नहीं मुझे। एक बुक बनानी है, तो पेज इतने से हो जाएगा। और बन गई बुक, और इससे ख़रीदता हूँ मैं। और ये कितने में लेगा? एफिशिएंसी 5, अब मिल गई मुझे एफिशिएंसी 5। और मुझे क्या क्या चाहिए इससे, कि इससे मैं थोड़ी सी ट्रेड कर लेता हूँ, और इससे ये ले लेता हूँ, काम आ जाती हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे इस बुक का ज़्यादा कोई काम नहीं है, पहले मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा अपने एनविल बनाने के लिए। तो एनविल बनाना भी कुछ आसान काम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बनाऊँगा। तो अभी मेरे पास कितना आयरन पड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा कम आयरन है, 8 आयरन पड़ा है यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर एक और, तो 9 पड़ा है। इससे मैं एक ब्लॉक बना सकता हूँ, तो एक ब्लॉक बना कर रख लेता हूँ। ऐसे मुझे 3 ब्लॉक चाहिए, तो बाद में मैं और भी इसे बनाता जाऊँगा। और अपने ट्राइडेंट को भी यहाँ पर रख दो, और मुझे काफ़ी सारा आयरन की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये बकेट्स काफ़ी सारी पड़ी होंगी, तो इन्हें स्मेल्ट कर लेता हूँ। और इससे स्मेल्ट नहीं करूँगा, मुझे बकेट चाहिए, हो जाएगा। तो इसमें मैं ये रख देता हूँ। तो अब ठीक है, ये ऐसे बनते रहेंगे, और मेरा मन नहीं कर रहा बकेट्स को स्मेल्ट करने का। मैं काम करता हूँ, थोड़े से जो मॉब्स हैं इन्हें मार कर आता हूँ, देखता हूँ कितना आयरन मिलेगा। वैसे इस वीडियो में एनविल नहीं बन पाएगा, एनविल मुझे लगता है कि अगले वीडियो में बन जाएगा,
एक काम करता हूँ, मैं कोई आइलैंड एक्सप्लोर करके आता हूँ, और ये देखिए कितने सारे यहाँ पर ही हो, और मर जाओ। तो कुछ मिला क्या? तो यहाँ पर तो मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, ऐसे मुश्किल है मिलना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई आइलैंड एक्सप्लोर कर कर आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो आगे वो वाला आइलैंड है उससे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ मिलेगा। वो ट्री तो मिल जाएगा मुझे, इसकी सैपलिंग, लेकिन वहाँ पर जो स्नो वगैरह है उसे भी मैं कलेक्ट कर लूँगा। और मैंने अपना शवल जो है वो बर्बाद कर दिया है, तो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ कि इसे यहाँ पर रखो। और ये बैम्बूज वगैरह अपने साथ नहीं रखने का, सारी मुझे चाहिए होंगी स्लैब्स, और स्टैक से ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा बनेंगी, तो इतनी तो काफ़ी हैं। तो अब मुझे चाहिए एक्स वगैरह, सब कुछ है, बस सामान को रखना है यहाँ पर। तो इसे भी रख दिया। अब मैंने यहाँ पर तैयारियाँ कर ली है जाने की, और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, और ये रही मेरी काउस। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी काउस को मार लूँ, लेकिन मेरे पास फूड की कमी नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इन्हें नहीं मारने वाला। तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ मैं कहाँ से, यहाँ से चलता हूँ, एक यहाँ से रास्ता बना लेता हूँ, लेकिन ऐसे मुझे दिक्कत ना हो। और मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ मैं, ये आसान है थोड़ा सा, सीधा चला जाऊँगा मैं। तो मैं काम करता हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, फिर से इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और लेकिन मैं यहाँ पर शवल नहीं लेकर आया, और मैंने यहाँ पर स्टेयर्स बना ली है, लेकिन ऊपर से मैं फंस रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसे काट देता हूँ, तो अब मैं जा सकता हूँ। नहीं, ये भी है यहाँ पर, तो ये हो गया। तो अब मैं काम करता हूँ कि इसे पेड़ को काटता हूँ, इसके भी मुझे लॉग्स मिल गए हैं, और ये काफ़ी सारी अच्छी बात है कि मेरे पास ट्रीज अब काफ़ी सारी टाइप्स के हो जाएंगे। लेकिन मैंने उगाए दो तरह के हैं, उसमें ये भी जोड़ दूंगा, लेकिन मैं जंगल वाला नहीं जोड़ने वाला, वो काफ़ी दिक्कत करता है। तो इसे भी यहाँ से, अरे काटने से पहले काम करता हूँ मैं सब सारा का सारा सामान है इस मेरे पास, मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, और थोड़ी सी ये चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, शवल यहाँ पर ही बना लेता हूँ, बन तो जाएगा। एक शवल बना लिया मैंने, और एक बोल आई मेरे पास, तो दूसरी बोल के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर चले जाते हैं। बस कोई बोल ख़राब ना हो, मतलब स्नो यहाँ पर ख़राब ना हो जाए मेरी दो, लेकिन इतने से काम तो चलने वाला नहीं है, मुझे थोड़ी सी और चाहिए होंगी, तो वो मैं जब यहाँ पर बारिश होगी तब कलेक्ट कर लूँगा। फिलहाल के लिए तो इसे मैं काट लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया। अब चलता हूँ नीचे, और ये हो गया, जल्दी जल्दी नीचे चलो, अरे ये नहीं काटना, तो सैपलिंग आ जाए बस एक तो अच्छा रहेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे हाथों से काट देता हूँ, ये पेड़ काफ़ी बड़ा है, तो अरे ये साइड पर गिर सकती हैं सैपलिंग्स, तो एक काम करता हूँ मैं साइड के एरिया पर ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लगा देता हूँ, ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि ये इतने बड़े पेड़ से तो सैपलिंग कोई एक आधी तो मिल जाएगी, फिर उसे मैं और कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये गिरी नहीं है, तो हाथों से कर लेता हूँ इसे। नहीं रही, और एक सैपलिंग आ गई मेरे पास, तो मुझे पता था एक ना एक सैपलिंग तो मिल ही जाएगी। और अरे स्नोबॉल मिल गई, मुझे लगा नीचे गिरी। यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो अब ऊपर कुछ है नहीं, स्नो वगैरह तो मैं इसे काट देता हूँ जल्दी जल्दी, और कोई नहीं मुझे मिल रही, वैसे एक आधी और मिल जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे नीचे गिरी, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर अपने घर पर पहुँच चुका हूँ, और ये देखिए यहाँ पर क्या स्पॉन हुआ है, दो दो यहाँ पर पिग स्पॉन हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बस कोई ड्राउंड यहाँ पर स्पॉन ना हो, खास करके उनके बच्चे। तो यहाँ से मैं बाहर चलता हूँ, और इसे मैं कहीं लगा देता हूँ इस पेड़ को भी। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, एक पेड़ काटो यहाँ से ओक का, और यहाँ पर लगाता हूँ, लग भी जाएगा, और जो इसकी सभी की सभी सैपलिंग होगी वो मुझे मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि एक पेड़ काफ़ी होगा। या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये जो ओक का पेड़ लगाया हुआ है इसकी जगह ये वाला पेड़ लगाओ, और इसे मैंने काटा नहीं हुआ, इसे भी काट देता हूँ।
तो जल्दी जल्दी से इसे काटो। और ये ख़त्म हो गया मेरा, ये जो एक्स था एक्स ख़त्म हो गई। तो चलो जल्दी से वापस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।